Hello children, welcome in our English grammar class. It is our chapter 3rd, revision. Till today we have completed our 3 chapters, sentences, noun and verb. Now we will see revision on these 3 chapters. Revision first. Question A. Write S for statements, Q for interrogative sentence, R for imperative sentence and E for exclamatory sentence. हमने देखा है कि 4 टाइप के सेंटेंसेस हैं. स्टेटमेंट, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. ये 4 टाइप के सेंटेंसेस हैं. तो हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हुए हैं ये कौन सी टाइप के सेंटेंसेस हैं वो हमें आइडेंटिफाई करना है और आगे लिखना है. फर्स्ट वन, जिम इज फीलिंग हैप्पी. जिम इज फीलिंग हैप्पी, ये क्या है, फैक्ट है कि वो हैप्पी फील कर रहा है. ये स्टेटमेंट है उसका कि जिम इज फीलिंग हैप्पी. सो इट्स अ स्टेटमेंट टाइप ऑफ सेंटेंस. सो वी हैव राइट हियर एस. देन सेकेंड वन, What a beautiful flower. What a beautiful flower. यहाँ पर जो emotions है express कर रहे हैं कि वो flower कितना beautiful है, यानी कुछ express करना, यानी ये हुआ exclamatory sentence. और इसका end जो है वो किससे होता है, exclamatory mark से होता है. तो what a beautiful flower और exclamatory mark end में है, इसकी वजह से ये कौन से type का sentence हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ. तो हमने यहां पर लास्ट में क्या लिख दिया, ई. क्वेश्चन थर्ड, राइट योर फुल नेम ऑन दिस कार्ड. राइट योर फुल नेम ऑन दिस कार्ड, ये क्या हुआ, एक टाइप का कमांड हुआ. तो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सॉरी आई फॉर इंपेरेटिव सेंटेंस. तो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें हमने कमांड दी है. इंपेरेटिव सेंटेंस में एक तो कमांड देते हैं या फिर रिक्वेस्ट की जाती है. यहाँ पर एक कमांड दी है कि राइट योर फुल नेम ऑन दिस कार्ड, ये कमांड हुई. तो यहाँ पर आई लिख दिया इंपेरेटिव सेंटेंस. फोर्थ, वेयर डिड नीना पुट माय कीज. आस्क समथिंग, आस्क ए क्वेश्चन. यहाँ पर वेयर डिड नीना पुट माय कीज, कहाँ रखी है, यानी कुछ क्वेश्चन किया है और एंड में क्या है, क्वेश्चन मार्क है. तो ये कौन सी टाइप का सेंटेंस हुआ, इंट्रोगेटिव हुआ, इसलिए यहां पर लास्ट में लिख दिया क्यू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. फिफ्थ वन, वी हर्ड द एलिफेंट्स ट्रम्पटिंग लाउडली. वी हर्ड, सुना है एलिफेंट की चिंगाड़ने की जो आवाज है लाउडली, वो सुनी है. ये क्या है, स्टेटमेंट है, इट्स फैक्ट. तो ये स्टेटमेंट है तो एस लिख दिया, एस फॉर स्टेटमेंट टाइप का सेंटेंस है इसलिए. सिक्स, प्लीज पुट योर बैग हियर. प्लीज यानी कि रिक्वेस्ट है. रिक्वेस्ट कौन से सेंटेंस में की जाती है, इंपेरेटिव, कमांड देना या रिक्वेस्ट करना, ये इंपेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है, इसलिए यहां पर लिख दिया है आई. सेवन, व्हाट अ टॉल स्टैचू. व्हाट अ टॉल स्टैचू, यहां पर क्या हुआ, एक्सप्रेस किया है इमोशंस को. व्हाट अ टॉल स्टैचू, यानी ये कौन सा सेंटेंस हुआ, एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि यहां पर लास्ट में क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है. तो ये हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ई. देन एट, शुड आई कम टू योर हाउस ऑन संडे. शुड आई कम यानी क्या हुआ, मैं आप घर आ सकता हूं, यानी कि क्या एक क्वेश्चन पूछा गया है. तो एंड में क्वेश्चन मार्क है, इसलिए ये कौन सा टाइप का सेंटेंस हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ. तो इसलिए यहां पर हमने लिख दिया क्यू. क्वेश्चन बी, सर्कल द सब्जेक्ट्स एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट्स इन दिस सेंटेंसेस. जैसे आपको पता है कि हर एक सेंटेंस में सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. दो सब्जेक्ट क्या है, किसी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, एनिमल का, जो नाउन होता है, नाउन का जो पार्ट होता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है, और जो रिमेनिंग पार्ट है जिसमें वर्ब इंक्लूड रहता है वो होता है प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट को क्या करना है,
सर्कल करना है और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करनी है. फर्स्ट वन, जमाल इज अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट. यानी आर्टिस्ट का नेम दिया है जमाल. जमाल क्या कौन है? टैलेंटेड आर्टिस्ट. जमाल को कर दिया सर्कल, ये हुआ सब्जेक्ट और जो रिमेनिंग सेंटेंस है वो हुआ प्रेडिकेट. सेकेंड, रीना एंड हर सिस्टर्स डिसाइडेड टू पेंट द रूम देमसेल्फ्स. रीना एंड हर सिस्टर, ये दोनों क्या हुए? सब्जेक्ट. और डिसाइडेड टू पेंट द रूम देमसेल्फ्स, ये हुआ प्रेडिकेट. और प्रेडिकेट में वर्ब रहता है हमेशा. थर्ड वन, लायंस टाइगर्स एंड रिनोसेरस आर सम ऑफ द प्रोटेक्टेड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स इन इंडिया. लायन टाइगर एंड रिनोसेरस, ये हुए सब्जेक्ट. आर सम ऑफ द प्रोटेक्टेड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स इन इंडिया, ये हुआ प्रेडिकेट. फोर्थ वन, द हॉट टी स्पिल्ड ऑल ओवर द टेबल. द हॉट टी, ये हुआ सब्जेक्ट. स्पिल्ड ऑल ओवर द टेबल, प्रेडिकेट. फिफ्थ, सुनीता'स फ्रेंड्स विजिटेड हर व्हेन शी वॉज इन. सुनीता'स फ्रेंड, कौन आया है मिलने के लिए? सुनीता के फ्रेंड्स, ये हुआ सब्जेक्ट. विजिटेड हर व्हेन शी वॉज इन, प्रेडिकेट. देन सिक्स्थ वन, माई फेवरेट कलर्स आर ब्लू एंड ग्रीन. माई फेवरेट कलर्स, ये हुआ सब्जेक्ट. आर ब्लू एंड ग्रीन, प्रेडिकेट. सेवन, सिक्स स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर अब्सेंट टूडे. कौन अब्सेंट है? सिक्स स्टूडेंट ऑफ द क्लास, क्लास के सिक्स बच्चे, ये सब्जेक्ट हुआ. आर अब्सेंट टूडे, प्रेडिकेट. एट वन, हाइकिंग एंड कैंपिंग आर मेनी फेवरेट आउटडोर एक्टिविटीज. हाइकिंग, हाइकिंग एंड कैंपिंग आर माई फेवरेट आउटडोर एक्टिविटीज. हाइकिंग एंड कैंपिंग, ये दोनों क्या हुए? सब्जेक्ट. आर माई फेवरेट आउटडोर एक्टिविटीज, ये हुए प्रेडिकेट. क्वेश्चन सी, सर्कल टू नाउन्स दैट बिलोंग टू द ग्रुप इन ईच सेट. यहाँ पर कुछ सेट दिए हुए हैं, इन सेट में से टू नाउन को क्या करना है? सर्कल करना है. जैसे कि पीपल, अब ये जो ग्रुप है फर्स्ट रो में, ये जो ग्रुप है इनमें से टू पीपल को उन्हें हमें क्या करना है? सर्कल करना है. यानी कि पीपल से रिलेटेड जो ग्रुप्स है उन्हें हमें सर्कल करना है. अब पीपल ग्रुप दिया हुआ है तो इसमें डॉक्टर, कार्ड, प्रिंसिपल, लायंस, इनमें से टू नाउन्स कौन से आएगा? डॉक्टर एंड प्रिंसिपल. क्योंकि कार्ड यानी कि जैसे कि गुलाब कार्ड वगैरह कोई भी कार्ड हो गया तो वो हो गया कार्ड. तो कार्ड ये तो पीपल नहीं है इसलिए इसे सर्कल नहीं किया जाएगा. देन लायनेस, ये भी पीपल नहीं है तो लायनेस को भी सर्कल नहीं होगा. तो कौन से ग्रुप होगा? डॉक्टर एंड प्रिंसिपल, ये क्या होगा? नाउन हो गया पीपल के लिए. देन हाउसेस, हाउसेस में कॉटेज, ब्लैकबोर्ड, हॉस्पिटल, अपार्टमेंट. अब इसमें से हाउसेस में ब्लैकबोर्ड नहीं आएगा, ब्लैकबोर्ड हाउस नहीं है. देन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल भी हाउस नहीं है. तो हाउसेस में कॉटेज यानी कुटिया और अपार्टमेंट यानी फ्लैट, ये दोनों क्या हो गए? हाउसेस हो गए. अब हॉस्पिटल बिल्डिंग है लेकिन हाउस है क्या? नहीं, ये हाउस नहीं है. तो हाउसेस में कौन से दो ग्रुप आएंगे? कॉटेज एंड अपार्टमेंट. देन थर्ड वन, एनिमल्स, मॉस्किटो, इग्लू, क्रोकोडाइल, चेरी. मॉस्किटो इंसेक्ट है, एनिमल है लेकिन इग्लू एनिमल नहीं है, इसे हम सर्कल नहीं करेंगे. देन क्रोकोडाइल, ये भी एनिमल है, इंसेक्ट है, इसे भी सर्कल कर दिया. लेकिन चेरी क्या है? फ्रूट है. तो इसलिए एनिमल्स में कौन आएगा? मॉस्किटो एंड क्रोकोडाइल, इन दोनों को हमने सर्कल कर दिया. देन क्लोथ्स, क्लोथ्स इसमें ऑप्शन दिए हैं ब्लैंकेट, जैकेट, इयर रिंग्स एंड शर्ट. अब ब्लैंकेट क्लोथ्स है क्या जो वेयर करते हैं? नहीं है. जैकेट ये क्लोथ्स है तो इसलिए इसे सर्कल कर दिया.
इयररिंग्स, ये भी क्लोथ्स नहीं है तो इसे भी सर्कल नहीं करेंगे, शर्ट क्लोथ्स है इसलिए इसे सर्कल कर दिया। तो हर एक ग्रुप में टू टू जो नाउन्स है उन्हें हमने क्या किया है, सर्कल कर दिया। क्वेश्चन डी, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस नाउन्स। अब यहां पर क्या करना है, जो नाउन्स यहां पर दिए हुए हैं उनका प्लूरल फॉर्म हमें यहां पर लिखना है। अब सिटी, सिटीज, यहां पर क्या हुआ, सिटी एंडिंग लेटर क्या है, लास्ट लेटर है वाई। तो जब लास्ट लेटर वाई है ऐसे में क्या रूल है कि वाई को हटाकर आई एस लगता है जब हमें प्लूरल फॉर्म करना है। तो सिटी का हुआ सिटीज, वाई को हटाकर आई एस, सी आई टी आई एस, सिटीज। देन बफेलो, सेकेंड में क्या है, बफेलो। तो लास्ट में ओ है इसलिए यहां पर क्या आएगा, आगे ई एस लगाएंगे, बी यू डबल एफ एल ओ ई एस, बफेलो बफेलो। थर्ड वन शेल, एस एच ई एल एफ, एंडिंग वर्ड क्या है, सॉरी एंडिंग लेटर क्या है, एफ है। तो जब एंडिंग लेटर एफ होता है ऐसे में क्या होता है कि एफ को हटाकर वी एस लगाया जाता है। तो शेल्फ का होगा शेल्स, एस एच ई एल वी एस, एफ को हटाया और वी एस लगाया। देन चीफ, सी एच आई ई एफ। अब यहां पर एंडिंग लेटर एफ है लेकिन फिर भी यहां पर ये रूल जो है फॉलो नहीं किया जाता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इरेगुलर वर्ड्स होते हैं जिनको रूल्स फॉलो नहीं किए जाते हैं। चीफ का होता है चीफ, सी एच आई ई एफ एस, यहां पर सिर्फ एस लगाया है। देन फिफ्थ वन इज कैमरा, तो कैमरा का कैमरा सिर्फ यहां पर क्या हुआ है, एस लगाया है, सी ए एम ई आर ए एस। यानी कुछ ना मैक्सिमम नाउन्स तो ऐसे होते हैं कि जिनको एस लगाकर प्लूरल फॉर्म में चेंज किया जाता है। सिक्स्थ वन बटरफ्लाई, तो यहां पर क्या है, लास्ट एंडिंग लेटर क्या है, वाई है, तो वाई को हटाकर आई ई एस लगाएंगे, बी यू डबल टी ई आर एफ एल वाई। तो वाई को हटाया तो बी यू डबल टी ई आर एफ एल आई ई एस, बटरफ्लाई। सेवन डोंकी, अब डोंकी यहां पर हमने देखा है कि वाई है एंडिंग लेटर तो हमने वाई को हटाकर आई ई एस लगाया, लेकिन यहां पर वाई के पहले का लेटर कौन सा है, वॉवल है, ए ई आई ओ यू। अगर वाई के पहले वॉवल लेटर होता है तो ऐसे में क्या होता है, लास्ट में सिर्फ एस लगता है, डोंकी डोंकी, डी ओ एन के ई वाई एस, सिर्फ एस लगाया। देन एंड माउस, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में चेंज करते समय उनका पूरी तरह से जो वर्ड है वो चेंज हो जाता है, जैसे कि माउस माइस, एम ओ यू एस ई माउस, एम आई सी ई माइस। क्वेश्चन ई, फिल इन द ब्लैंक विथ वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स। यहां पर बॉक्स में कुछ वर्ब्स दिए हुए हैं जो यूज करके हमें यहां पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट करनी है। फर्स्ट वन, अ पोस्टमैन डैश लेटर्स, पोस्टमैन लेटर्स क्या करते हैं, डिलीवर, तो डिलीवर्स, अ पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स। देन सेकेंड वन, द हाउसेस एंड ट्रीज वेयर, द हाउसेस एंड ट्रीज वेयर डैश विथ स्नो, हाउसेस और ट्री स्नो से कैसे है, कवर्ड है, तो कवर्ड वर्ब यहां पर यूज करेंगे, द हाउसेस एंड ट्रीज वेयर कवर्ड विथ स्नो। थर्ड वन, मोगली डैश विथ बल्लू द बेयर, मोगली प्ले, मोगली प्ले विथ बल्लू द बियर। फोर्थ वन, आयशा लाइक्स टू डैश सी शेल्स फ्रॉम द बीच, शी सेल्स क्या करना पसंद है आयशा को, गैदर यानी इकट्ठा करना पसंद है, गैदर, आयशा लाइक्स टू गैदर सी शेल्स फ्रॉम द बीच। फिफ्थ वन, द प्रिंस डैश रैपुंजल, द प्रिंस रेस्क्यू यानी प्रिंस ने रैपुंजल को क्या किया, छुड़वाया है, तो यहां पर क्या आएगा, रेस्क्यू। द पपी डैश इट्स पॉज, द पपी लिक इज इट्स पॉज, यहां क्या आएगा, लिक
L-I-C-K, lick. The puppy licked its paws. Okay. Here we have seen some part of revision, and the remaining part of revision we will see in our next part. Meanwhile, you have to revise this and write it in your notebook. Thank you.